बरहापीडं नत कर्णयो कर्णिका बिभ्रद् कनकपिश बैजयति चमाला रन्ध्रा धरसुधया पूरयन गोपबृंद वृंदारण्यम स्वद रम राभिशत दीतकीर्ति इ नमः पंकजना भ ਨਮ ਬੰਕ ਜਮਾ ਹੋ ਨੀ ਨੇ ਨਮ ਬੰਕ ਜਨੇ ਤਰਾਇ ਨਮਸ ते पङ्कजा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्राहिणोति तस्मै तग्वंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुक्षक्षुरवई शरण प्रपद्ये आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस प्रेम रस पिपा महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी र yeah जुगल सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म जीव माया तीन सनातन तत्व हैं इनमें से जीव नाम का तत्व मय है और यह जीव और माया दोनों ब्रह्म की शक्ति हैं इसलिए इनको अंश भी कहते हैं और जीव और माया सदा भगवान के आधीन है किंतु जीव माया के भी आधीन है अतएव अपने स्वरूप को भूला हुआ है माया के दो स्वरूप होते हैं एक का नाम जीव माया एक का नाम गुण माया और ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है एक आवरणात्मिका माया एक विक्षेपात्मिका माया अर्थात एक माया जो है जीव माया में वो माया क्या करती है अपने आप का जो स्वरूप है असली उसको भुला देती है उसका विस्मरण हो जाता है और दूसरा काम विक्षेपात्मिका माया करती है कि संसार को मेरा मनवा लेती है संसार में अटैचमेंट करा देती है बस इन दो कारणों से अनादिकाल से हम दुखी हैं अशांत हैं अतृप्त है अपूर्ण है और दंड स्वरूप चौरासी लाख शरीर धारण करके आध्यात्म आधि दैविक आधि भौतिक दुखों से पिसे जा रहे अनाद काल से चल रहा है मैंने आगे आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया है कि इसका कोई इलाज जीव के पास नहीं है जीव, बहुत से बहुत जीव माया का अत्यंता भाव कर सकता है साधना के द्वारा लेकिन गुण माया का भाव कोई भी जीव किसी भी साधना से अनंत काल में भी नहीं कर सकता ये गुण माया भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है इसलिए कोई भगवान के बराबर हो जाए तो वो माया को जीत सकता है तो भगवान के बराबर भी कोई न था न है न होगा क्योंकि तीन तत्व जो मैंने आपको बार बार बताए हैं उनके अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं तो जीव तत्व तो बिचारा स्वयं ही माया के अधीन है वो भगवान का मुकाबला क्या करेगा और माया तत्व तो जड़ है वो तो कुछ करती ही नहीं कर ही नहीं सकती इसलिए माया का अत्यंता भाव भी कोई भी जीव अनंत जन्मों की अनंत साधनाओं से भी नहीं कर सकता और बिना माया के समाप्त हुए न दुख समाप्त होंगे न बंधन समाप्त होंगे तीन प्रकार के न तीन प्रकार का शरीर समाप्त होगा न पांच प्रकार का क्लेश जाएगा न पांच प्रकार का ये जो हमारा कोष है ये भी समाप्त नहीं होगा और जो तीन प्रकार के अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं वे भी नहीं समाप्त होंगे और हम इसी प्रकार चौरासी लाख की चक्की पीसते रहेंगे वेदों शास्त्रों के द्वारा गंभीर विचार विमर्श किया गया तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा करके अपनी पावर दे देते हैं। अपनी इंद्रिय मन बुद्धि शक्ति का प्रदान कर देते हैं, वो भगवत प्रदत्त इंद्रिय-मन-बुद्धि की शक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है तभी माया की निवृत्ति होती है और तभी दिव्यानंद प्राप्त होता है आपको बताया गया कि यद्यपि मार्ग तो अनंत आप बनाते जाइए ये मनुष्य के माइक मन की कल्पना के सब विचार है कल पंथ अनेक तुलसीदास ने कहा कलयुग में अनेक मार्ग लोग बनाते जाएंगे और हर युग में बनाते हैं अनंत वादों का विवाद चल रहा है हमारे विश्व में चलेगा क्योंकि वो अज्ञान से युक्त विवाद है वाद है मत है तो जो वास्तविक बात है अंतिम निष्कर्ष की वो समझ लीजिए भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है किम विधत्ते किचे किमन अनुद्य विकल्प इत्याम लोके नान्यो मदभेद कश्चन माम विधत्ते माम विकल्पया पोहिते हम भागवत ग्यारह इक्कीस बयालीस मार तैतालीस मार्च लोग भगवान ने कहा देखो मनुष्यों अपनी माइक बुद्धि को लगा के परेशान मत होना नहीं और कंफ्यूज हो जाओगे तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है श्रुति पुराण बहु कहे वो उपायी छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई श्रुतिर्भिन्ना स्मृतो विभिन्ना नई को मुनि जस्य बच प्रमाणम चार वेद में अलग अलग मत शास्त्रों में अलग अलग मत अठारह पुराणों में अलग अलग मत 108 उपनिषदों में अलग अलग मत सब धर्म ग्रंथ और एक एक ग्रंथ में अनेक विरोधाभास ये बिचारा मनुष्य दो अंगुल की खोपड़ी वाला ये क्या करेगा पढ़ करके सुन करके सोच करके तो भगवान ने कहा मैं निर्णय बताए दे रहा हूं क्या जो कर्म ध्यान से सुनो जो कर्म मेरे निमित्त हो वही असली कर्म असली धर्म जो ज्ञान मेरा ज्ञान करावे मेरे से संबद्ध हो वही ज्ञान ज्ञान समझो जो भक्ति मेरे प्रति हो बस वही भक्ति असली भक्ति है कोई भी तपश्चर्या कोई भी चीज जो मेरे निमित्त हो बस वही सत्य है और सत्य फल देने वाली है और सब गलत इंश है भगवान ब्रह्म त्रिर मनीषया तुटस तो यथा भवे भागवत दो दो चौतीस ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने सब वेदों को तीन बार नथा माने सोचा ब्रह्मा जिसको वेद का ज्ञान भगवान ने स्वयं डायरेक्ट अपनी पावर देकर कराया था तेने ब्रह्म हृदय या आदिकबे हृदय में भगवान बैठकर वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को वो ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने तीन बार बेगों के एक एक मंत्र पर गंभीर विचार किया और एक निर्णय पर पहुंचा क्या केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ न पढ़ो न सुनो न सोचो न करो वेद व्यास ये भी बोले हमने वेदों का व्यास किया है वेदांत बनाया है गीता बनाई है अठारह पुराण बनाए हैं मेरी भी सुन लो क्या आलोर्वशास्त्री विचार जैसा पुनः पुनः ईद में कम सुनिष्पन्नम धेयो नारायणो हरि मैंने सब वेदों शास्त्रों का बार बार विचार और मंथन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा बस भगवान का ध्यान करो भक्ति करो प्यार करो स्कंद पुराण लिंग पुराण जहाँ लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन जितने भी शास्त्र वेद में और जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने सिद्धांत लिखे हैं ग्रंथ लिखे हैं बोले हैं समझाए हैं सब साधन कर यह फल सुंदर तव पद पंकज प्रीति निरंतर आपके चरण कमलों में प्रेम ये सब का फल अगर ये नहीं तो सब गलत एक कसौटी है आपने जब किया है दस साल बीस साल पचास साल रात था भगवान से प्रेम हुआ कितना हुआ पैमाना है उससे नापो उनके पाने की कितनी छटपटाहट है कितनी व्याकुलता है नहीं है किया तुमने टाइम खराब किया एनर्जी बेस्ट जीरो में गुणा किया